दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो आपका एक साल का खर्च करीबन 1.5 लाख रुपए होता है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने पर एक खर्च आपका 15 लाख पर ईयर हो जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा अमाउंट है जो हम में से बहुत सारी फैमिली पे नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, हेयर जो वेद है भगत अवैबार आर सेकंड फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप चलाई जाती हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके लिए कौन सी स्कॉलरशिप बेस्ट होने वाली है, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसमें बॉन्ड ड्यूरेशन क्या होता है। आपको इस वीडियो में सभी स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और वीडियो के लास्ट तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट स्कॉलरशिप क्या है और आपको उस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। आई होप दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक कम्प्लीटली जरूर देखेंगे क्योंकि ये आपकी एमबीबीएस लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों एमबीबीएस में मेनली दो स्कॉलरशिप स्कीम चलती हैं, एक कॉस्मेटिक स्कॉलरशिप स्कीम और दूसरी मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। ये दोनों ही स्कॉलरशिप स्कीम ऐसी स्कीम्स हैं जिनके तहत आपका पूरा एमबीबीएस का फीस रिफंड हो जाता है। हम इन दोनों ही स्कॉलरशिप के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको पता चल जाएगा कि आपको दोनों में से कौन सी स्कॉलरशिप लेनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टमैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। इसके लिए एससी, एसटी एंड ओबीसी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसको जनरल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पोस्टमैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही होता है कि आपको एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें इनकम क्राइटेरिया की, तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहां पर एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी इनकम का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की पेरेंट्स की एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रहकर अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम का क्राइटेरिया 6 लाख रुपए रखा गया है और वहीं ओबीसी कैंडिडेट के पेरेंट्स की एनुअल इनकम का क्राइटेरिया 3 लाख रुपए रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस पोस्टमैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में कोई भी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। मीन्स पोस्टमैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में आपके 10th और 12th के मार्क्स नहीं देखे जाते। आपके 10th और 12th के मार्क्स कितने भी हों फिर भी आपको पोस्टमैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जिससे रिलेटेड आपके डाउट हमेशा आते रहते हैं कि अगर हम स्कॉलरशिप लेते हैं तो हमारा गूगल सर्विस बॉन्ड कितने साल का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। इस पर डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट नहीं लेते हैं तब भी आपको एक साल का बॉन्ड देना पड़ेगा। मीन्स आपको अपनी एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद एक साल रूरल एरिया में अपनी एमबीबीएस की सर्विस देनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप ओबीसी, एसटी और एससी के कैंडिडेट हैं और अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेते हैं और अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं तब भी आपको बस एक ही साल का बॉन्ड देना होगा। मीन्स पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको कोई भी एडिशनल बॉन्ड फिल नहीं करना पड़ता है। मीन्स अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी एडिशनल रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं देना होगा। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रहकर अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हैं और वहां पर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको 5 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड रहेगा। सो दोस्तों
अब हम बात करते हैं कि आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए कब और कैसे अप्लाई करना है और आपको इसमें कितना अमाउंट पे किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, जब आप अपने मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उस समय अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम और मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप स्कीम में से दोनों ही स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो लोग आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी स्कॉलरशिप चाहते हैं। तो अगर आप उस समय पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फीस के लिए इनरोल करने का बोलते हैं, तो उस समय आपसे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। इसके बाद जब आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, उससे 3 महीने बाद आपके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल किए जाते हैं। उसके 2 महीने बाद आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप अमाउंट पे कर दिया जाता है। उस स्कॉलरशिप अमाउंट को आपको बैंक जाकर निकालना होता है और अपने कॉलेज में अपनी फीस पे कर देनी होती है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि अगर आपके कॉलेज की ट्यूशन फीस 1,00,000 रुपए है, तो आपको जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अमाउंट पे किया जाता है वो 1,10,000 या 1,15,000 रुपए होता है। तो यहाँ पर आपको 10,000 से 15,000 का एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। आई होप दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम से रिलेटेड आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के बारे में। दोस्तों, ये स्कॉलरशिप स्कीम जनरल, OBC, SC और ST सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। सो दोस्तों, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप स्कीम हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हों, OBC से हों, SC से हों, ST से हों, आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हों, आप मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप इसके साथ साथ इसकी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जैसे कि अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो अगर आप MP बोर्ड से 12th किए हुए हैं, तो आपकी मिनिमम 12th क्लास में 70% होना चाहिए, और वहीं अगर आपने CBSE बोर्ड से अपनी 12th कंप्लीट की है, तो मिनिमम आपकी 12th क्लास में परसेंटेज 85% से अबव होनी चाहिए। सो इफ वी टॉक अबाउट द इनकम क्राइटेरिया ऑफ मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, तो दोस्तों चाहे आप यहां पर जनरल के कैंडिडेट हों, OBC के हों, SC के हों, ST के हों, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप स्कीम में जो इनकम का क्राइटेरिया है वो सबके लिए सेम है, जो है 6,00,000 रुपए। अगर आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 6,00,000 रुपए से कम है, तो आप मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप स्कीम के लिए इनरोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको आपको कब इनरोल करना है और कैसे इनरोल करना है। अगेन, जब आप अपने मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन ले रहे होते हैं, वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उस समय अगर आप ये बताते हैं कि मैं मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, तो उसी समय आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने होते हैं, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट जिसमें आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम लिखी होती है जो कि 6,00,000 से कम का होना चाहिए, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर ये सारे सर्टिफिकेट आपके वैलिड होते हैं, तो आपको उस समय मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट दे दिया जाता है और आपसे आपकी ट्यूशन फीस उस समय नहीं ली जाती है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप स्कीम का भी अमाउंट है, वो आपके बैंक में नहीं आता है, बल्कि वो डायरेक्टली आपके कॉलेज के बैंक अकाउंट में चला जाता है और आपको बस वहाँ पर फीस पे नहीं करनी होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपका बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेकर पढ़ाई करते हैं, तो आपका बॉन्ड ड्यूरेशन 2 साल का होने वाला है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ए बॉन्ड ड्यूरेशन 5 साल का रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पोस्ट मैट्रिक और मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप स्कीम दोनों ही स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है, तो आपको कौन सी चूज करनी होगी।
ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप दोनों ही स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों को एक साथ चूज नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों में से बस एक ही चूज करनी होगी। और मैं आपको यहाँ पर एक अपनी तरफ से एडिशनल सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को चूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेते हैं तो आपको वहाँ पर सिर्फ एक साल का बॉन्ड देना होगा, वहीं मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के तहत आपको दो साल का बॉन्ड देना पड़ता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाता है, और जो अमाउंट है वो आपकी कॉलेज की फीस से थोड़ा सा ज्यादा होता है। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे हैं तो आपकी जो कॉलेज का फीस अमाउंट है वो 12 लाख रुपए पर ईयर है, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो 12 लाख रुपए से थोड़े से ज्यादा ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 12 लाख 10 हजार या 12 लाख 20 हजार हो सकते हैं, जबकि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, वो डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी एडिशनली 10-20 हजार का फायदा नहीं होने वाला है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यदि हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम और मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में डिटेल जानकारी मिल पाए। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर मोर ट्रस्टेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब फॉर डॉक्टर एडवाइस। थैंक यू।